शोभा ओहोत्कर जी ने जो कहा वह बिल्कुल अनुशासन का शब्द नहीं है, अनुशासनहीनता का शब्द है। और इन्होंने जो सर्विस कोड है उसका उल्लंघन किया, क्या किया मैं नहीं जानता हूँ कि ट्वीट कर दिया, तो मैं ये कहता हूँ और सोचता हूँ कि जब मन व्यथित होता है तो आत्मा की पुकार सुननी चाहिए, आत्मा को नहीं मारना चाहिए। इसलिए मैं विकास वैभव के इस जज्बे को सैल्यूट करता हूँ कि ज़मीर बेच करके न नौकरी करना चाहिए, न राजनीति करनी चाहिए, न व्यवस्था का हिस्सा बन जाना चाहिए, विद्रोह करना चाहिए। क्या करें, रिजाइन कर दें कि रहें नौकरी में, आपका क्या कहना है? रिजाइन क्यों करेंगे, बीआरएस कुछ नहीं करें, जो रास्ता उन्होंने अख्तियार किया है वो पढ़े लिखे आदमी हैं, इतने लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, हजारों लोग जो बिहार में दो आईपीएसों के बीच में ठन गई है, शोभा ओहोत्कर और आईपीएस विकास वैभव, जिस प्रकार से ट्वीट के बाद जो धमाल मचा या कह सकते हैं धमाका हुआ बिहार में, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रशासनों के बीच के पाठक का जो वीडियो आया था उसके बाद जो उसमें गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया गया था वो तो वायरल था ही, वो बीते दो सप्ताह पहले की बात हो गई, मगर उसके बाद आईपीएस विकास वैभव ने जिस प्रकार से जो स्टैंड लिया और उसके बाद से जो बिहार के मुखिया का वक्तत्व आया, कह सकते हैं कि सीधे विकास वैभव को ही घेरने की बात हो रही है। उसी के नियमित अभी जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी से मैं बात करने आया हूँ। विकास वैभव ने ट्वीट करके तो आरोप लगाया ही था, अब और भी कह सकते हैं कि वह भी अपने आरोप पर अडिग हैं और भी कई बातें हो चुकी हैं और हो चली है। उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया गया, उनका कहना था कि हमें जिस प्रकार से जलील करने का प्रयास किया जा रहा है इससे मन व्यथित है, और कह सकते हैं कि बहुत कुछ और बातें आ चुकी हैं। देखिए, नीतीश कुमार बिहार के मुखिया हैं, एक टिटुलर हेड है, इनका प्रभाव प्रशासन पर नहीं है। कुछ प्रशासनिक पदाधिकारी आईपीएस और कुछ आईएएस राज्य को चला रहे हैं और मनमानी ढंग से चला रहे हैं, और ये दिखलाना चाहते हैं कि हम गांधी हैं, हम महात्मा हैं, हम नेहरू हैं, सबकी आत्मा इनमें जो कागज़ में देखते हैं उसके अनुसार समाहित कराना चाहते हैं और दुनिया को देश को बतलाना चाहते हैं। लेकिन आज बिहार बहुत संकट में है, ये सिर्फ दो आईपीएस का मामला नहीं है, अनुशासन के नाम पर जो अमानवीय व्यवहार लोग करते हैं उसको अनुशासन का डमरू बजा करके ठीक करना चाहते हैं। आदमी अपने आप में संपूर्ण है, अनुशासन का ज्ञान उसे है, और हर व्यक्ति जिम्मेवार व्यक्ति को अनुशासन का ज्ञान होता भी है। अनुशासन थोपने से इसमें विकृतियां आती हैं, और ये पहली घटना नहीं है, आईएएस आईपीएस की टकराहट, आईपीएस आईपीएस की टकराहट, और जिस तरीके से ब्रिटिश काल में ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर अपने मातहत लोगों को अपशब्द का प्रयोग करते थे, आज भी हम पुलिस विभाग में इसका प्रचलन देख रहे हैं, लंबे दिनों से देख रहे हैं, कोई आज का नहीं है। नीतीश कुमार के शासनकाल में नीतीश के नज़दीकी ऑफिसरों का मनोबल थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और नीतीश कुमार इसे एड्रेस नहीं कर सकते हैं। प्रथम ग्रासे मक्षिका पातः, पहला बार जब सरकार में आए और उन्होंने जो काम किया उसमें पक्षपात दिखा, लेकिन उस समय नहीं परिलक्षित होता था, एक डीजी कोई थे रिटायर्ड किए और उनका मकान कब्जा करके सरकार ने उसमें स्कूल खुलवाया, और लगा कि हरिश्चंद्र जी यहाँ पर बैठे हैं सत्ता के कुर्सी पर, ऐसा लगा सब लोगों को, लगा थोड़ा हमको भी भ्रम हुआ, लेकिन बाद में हमने देखा कि एक से एक भ्रष्ट आईएएस ऑफिसर, एक से एक भ्रष्ट डीजी को भी इन्होंने लाया और उनका शुमार उनकी चलती रही। आज जो
स्थिति यहाँ बनी है, खासकर विकास वैभव का जो सवाल है, तो विकास वैभव वो काम कर रहे थे जो काम सरकार को करना चाहिए था। उन्होंने कभी भी अनुशासन में बंद करके कभी भी सरकार के सिस्टम पर कभी कोई आरोप नहीं लगाया। हम लोग लगाते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, ये लोग शायद बंधे हुए हैं ज़्यादा तो नहीं लगाते हैं, लेकिन बिहार की दुर्दशा कोई भी बिहार का जो आदमी है वह देख रहा है, चाहे वो अफसर हो चाहे आम नागरिक हो, वह बिहार की दुर्दशा देख रहा है। किस तरीके से इंस्टीट्यूशन समाप्त हो रहे हैं, उसकी मर्यादा समाप्त हो रही है, उसके मूल्य समाप्त हो रहे हैं। तो जब प्रदेश का मुखिया संवेदनहीन हो, मूल्यों के प्रति बेवफा हो, विचारों के प्रति समझौता परस्त हो, तो वैसे में जो परकोलेट करके नीचे जा रहा है, डाउन टू अर्थ, उसमें अराजकता पैदा हो रहा है, क्योंकि वो देख रहा है। और इन्होंने जो ट्वीट किया, उनको आधार बना के अनुशासन का सीख पढ़ाने वाले लोग खुद अनुशासन के उस दर्पण में अपने को देखेंगे तो अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा नजर आएगी। एक बातें और आ रही है सर, कि बिहार सरकार के कई मतलब जो अधिकारी हैं वो जैसे दो तरह के वहाँ पर बन चुका है माहौल। कहा एक जा रहा है कि एक सरकार के करीबी हैं जिनको मतलब कि काफ़ी सह मिल गया है कि वो सामने वाले को काफ़ी कुछ कह सकते हैं, उसी में एक के पाठक का भी नाम आता है। के पाठक ने खुलेआम मतलब बड़े बड़े बिहार के अधिकारी बैठे हुए थे और के पाठक ने तो पूरा एकदम गाली गलौज, ऑन द वीडियो पूरा वायरल है, आप भी सुने होंगे, उसको क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, के पाठक को मैं बहुत दिन से जानता हूँ, एक ईमानदार अफसर हैं, वो विचलित हुए हैं। मैं तो पहले मिलता भी था, मैं नहीं मिलता हूँ, विचलित हुए हैं। उनको शराबबंदी का अभियान दिया गया, शराबबंदी का अभियान जब दिया गया तो बिहार शरीफ में ही JDU का आदमी शराब बेचते हुए पकड़ा गया, और उल्टे उस पर कार्रवाई जब इन्होंने की तो उल्टे जो पदाधिकारी किया था उसी को सजा मिली, ये छुट्टी पर चले गए, इसीलिए चिढ़िया गए। तो अभी फिर छुट्टी पर से आए, दूसरा विभाग घूमते घूमते फिर उसी में चले आए। तो जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है उससे रिजल्ट ये चाहते हैं, और वो दूसरे धंधे में लगा हुआ है, वो दूसरे धंधे में लगा हुआ है। अभी जो घटना हुई है, बहुत लोग उसको बिहार की अस्मिता से जोड़ करके देख रहे हैं, मैं उसे नहीं देखता हूं। जो पदाधिकारी बिहार कैडर के हैं बिहार के लिए हैं, लेकिन अब व्यक्तिगत जो मना स्थिति जिसकी सामान्य नहीं हो और रिजल्ट चाहता हो तो कुछ से कुछ बोल जाता है। लेकिन जहां तक विकास वैभव का सवाल है, ये प्रतिदिन अपने ड्यूटी के बाद इनको कभी इस विभाग में, कभी उस विभाग में, कभी उस विभाग में घुमाया जा रहा है। इनकी लोकप्रियता इतनी नहीं बढ़ जाए कि जिससे लोग कॉम्परेटिव एनालिसिस करने लगे। सोशल साइट पे इनकी लोकप्रियता का ग्राफ और तमाम जो बिहार के जो हेड भी हैं पुलिस के उनसे काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा लगता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा संकट आता है, क्या करें, रिजाइन कर दें कि रहें नौकरी में, आपका क्या कहना है? रिजाइन क्यों करेंगे, BRS कुछ नहीं करें। जो रास्ता उन्होंने अख्तियार किया है वो पढ़े लिखे आदमी हैं, इतने लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, हजारों लोग जो BPSC में चोरी हो रही है, परीक्षा लीक हो रहा है, जो कहीं असफल सफल होना चाहता है असफलता उसके मत्थे गढ़ दिया जा रहा है, इस अराजकता में जो लोगों के अंदर उत्साह पैदा कर रहे हैं, उसकी आत्मा को अमृत्व प्रदान कर रहे हैं, विवेक दे रहे हैं, मूल्य दे रहे हैं, उनको हार नहीं माननी चाहिए। मर्यादा के तहत, मर्यादा के अंदर, मर्यादा का मतलब गाली सुन करके नहीं, मर्यादा में भी विरोध विद्रोह किया जाता है। कई लोग यह कह रहे हैं कि विकास वैभव को नेतागिरी करने का मन है, इसलिए ये सब आरोप उरोप लगा करके और नेतागिरी में उतरना चाहिए। अरे भाई, नेतागिरी करना रहेगा तो उसमें इस्तीफा करके कर दें, आरोप
से सुबह उठकर से क्या मिलने वाला है। इसलिए नेतागिरी करना यदि अपराध है तो नेतागिरी से कहे चिंतित हैं मुख्यमंत्री भाई। कोई नेतागिरी करना चाहता हो अच्छा आदमी, कोनो बालू दारू वाला तो है नहीं। एक आईपीएस ऑफिसर बहुत डॉक्टर एम्स के आकर के आईएएस बन गए, तो ये तो चॉइस है किस माध्यम से हम समाज की, राष्ट्र की, परिवार की सेवा कर सकते हैं। ये तो निर्णय करने का उनका अधिकार है, स्वेच्छा से कर सकते हैं, इसमें हलचल क्यों है। नीतीश जी ने ट्वीट करने वाले को ही आरोपी कहा, मतलब एक कहीं ना कहीं उस पर ही उनका ये कहा। मैंने पहले ही कहा कि नीतीश जी अपने आप में है ही नहीं, वो कभी किसी का पैर पकड़ लेते हैं, कभी किसी का पैर, मानसिक स्थिति उनकी ठीक है। उनकी बातों से ऐसा लगा कि शोभा आहूत करके हुआ समर्थन हो सकता है इनकी पीड़ा कहीं और हो। वो बेगूसराय के हैं, क्रांति भूमि है, वीरों की भूमि है, मूल्यों की भूमि है, दिनकर की भूमि है। दिनकर ने बराबर कहा है कि चीन पर जब आक्रमण हुआ और जो कविता परशुराम की प्रतीक्षा लिख रहे थे, तो बात पंडित नेहरू को भी कह रहे थे और बात राधाकृष्णन को भी कह रहे थे, लेकिन उनके कविता पाठ से लाल किले पर इतने प्रभावित हुए राधाकृष्णन, उन्होंने कहा कि मैं हिंदी का विद्वान होता तो मैं बार बार इस कविता का पाठ करता, तुमने कमोशन पैदा कर दिया है। तो ये आत्मा की पुकार थी उनकी। बेगूसराय का लोग, दिनकर की भूमि का लोग मन मार करके तो काम नहीं करेगा ना। वो मन जब व्यथित होता है, तो दिनकर भी कहते थे मन व्यथित जब होता है तो आत्मा की पुकार सुननी चाहिए, और आत्मा की पुकार पर उन्होंने परशुराम की प्रतीक्षा लिखी। तो ऐसे भूमि से जो आदमी है उसको नीतीश कुमार से क्या तुलना करना है। मतलब आपका कहना, फॉल्ट भी बहुत लोग बड़े ऊंचे पद पर जाते हैं, उस पद की मर्यादा नहीं रख पाते। आपका कहना है कि विद्रोह का झंडा बुलंद रखें। आखिरी सवाल, विकास बिल्कुल इनके जमीर को, इनके आदर्श को, इनके मूल्य को, इनके विचार को, उम्र में हमसे छोटे हैं, फिर भी मैं इनके जज्बे को सैल्यूट करता हूँ। चलिए, ये बात कर रहे थे हम जहानाबाद के पूर्व सांसद से। अभी इनका कहना है कि विकास वैभव जिस क्रांतिकारी भूमि से आते हैं वहाँ से नीतीश कुमार की तुलना नहीं की जा सकती, पर नीतीश जी भी तो नालंदा के भूमि से आते हैं सर। तो अब नालंदा में घनानंद भी थे और नालंदा में चंद्रगुप्त भी थे। मतलब नीतीश जी को आप एकदम नकार दे रहे हैं, 17 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा क्रेडिट दीजिएगा ना। 17 साल में बिहार को बहुत पीछे ढकेला है। जिस हुकूमत से हम लोग लड़ करके इनको सत्ता में बैठाने के लिए हम लोग अपना संपूर्ण ऊर्जा झोंक दिया, आज अफसोस होता है कि जो लालू यादव की सरकार थी वह बेहतर सरकार थी नीतीश कुमार से। इसलिए हम लोग तो एक नए विकल्प की तलाश में। फिर से लालू जी के सरकार अच्छा लग, मतलब आएगा तो ठीक रहेगा। अब हम लोगों का उम्र क्रांति करने का नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि चिराग पासवान को बड़ी उम्मीद के साथ कि एक नया परिवर्तन का आगाज, जहां मूल्य है, विचार है, बिहार को बनाने का संकल्प है, शेष हमारी ऊर्जा वहीं लगने वाली है। इसलिए अब दाएं बाएं मैं नहीं देख रहा हूँ। अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम रविकांत हुआ, कैमरे के पीछे विकास जी हैं, बाकी देखते रहिए झकास भारत। धन्यवाद।